I have your attention, please? लंबी दूरी का ट्रेन से सफर करने में आप जरूर बोर हो जाते होंगे, वहीं अगर लंबी दूरी की ट्रेनों में अगर आपके हिसाब का पसंदीदा खाना हो, साथ में मन पसंद की चीजें बिके, तो जाहिर है बोरिंग सा सफर मजा में तब्दील हो जाएगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में रेलवे में हर दिन एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। रेल यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के साथ मोदी सरकार अब ट्रेनों में शॉपिंग की व्यवस्था भी शुरू करने जा रही है। हालांकि इस सुविधा का लुत्फ आप लंबी दूरी की ट्रेनों में ही उठा पाएंगे। इस सुविधा को पश्चिम रेलवे की 16 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू किया जाएगा। केवल कैश नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भी आप अपनी मनपसंद चीजों को खरीद पाएंगे। ट्रेन में यात्रियों को ब्यूटी प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट, किचन अप्लायंस, फिटनेस प्रोडक्ट और FMCG से जुड़े प्रोडक्ट मिलेंगे। रेलवे ने यात्रियों को इसमें धोखाधड़ी से बचाने के लिए भी पूरा ख्याल रखा है। कई बार ट्रेनों में शॉपिंग के लिए बाहर के लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन इस स्पेशल सुविधा में आपके साथ कोई धोखा ना हो, इसके लिए हर शॉपिंग कार्ट में 2 सेल्समैन रहेंगे। हर सेल्समैन के पास अपना पहचान पत्र होगा और यूनिफॉर्म होगी। अगर आप चाहें तो उनका पहचान पत्र उनसे मांग कर चेक भी कर सकते हैं। ये सुविधा जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। मेसर्स HBN प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को 5 साल की अवधि के लिए 3.66 करोड़ रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस योजना के जरिए रेलवे का मकसद रेल यात्रियों के सफर को मनोरंजक बनाने के साथ साथ पैसे कमाना है।